दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी आज हम सीखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की है, जिसमें आज हम पहुंचे हैं दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी को जानेंगे। आपको याद होगा कार्तीय तल यानी कि ये यक्ष अक्ष पर दाहिनी तरफ जो है वो धनात्मक मान होता है, बाईं तरफ ऋणात्मक, और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, आपको याद होगा। तो इसी के जैसा कुछ हम चिन्ह परिपाटी इसी से मिलता जुलता ही होता है एकदम, जैसा कि कार्तीय तल में होता है वैसे ही चिन्ह परिपाटी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माई चैनल मास्टर क्लासेस, माई नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, यक्ष एक्सिस पे उस तरफ जितनी भी दूरियां होगी वो धनात्मक होगी। कोई भी दर्पण होगा आपका तो यक्ष एक्सिस की तरफ धनात्मक और वाई एक्सिस की तरफ धनात्मक ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ऋणात्मक, इस तरफ भी ऋणात्मक। ऐसे ही चिन्ह को लिखेंगे। जैसे अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ वाई एक्सिस को, आपको याद होगा कि वाई एक्सिस पर ऊपर जो है धनात्मक होता है, बस इतना याद रखना है, और नीचे ऋणात्मक होता है। तो ऊपर की तरफ जितनी दूरियां लेंगे वो धनात्मक ले लेंगे, नीचे की तरफ जो लेंगे वो ऋणात्मक ले लेंगे। चलिए कोई ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये कोई दर्पण वर्पण हो, चाहे अवतल समझो चाहे उत्तल समझो, जिसको चाहे जो बना लो। तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, धनात्मक वैल्यू होती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं दाईं तरफ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मतलब जो भी वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, दाईं तरफ जो है वो प्लस में लेंगे, इधर बाईं तरफ निगेटिव वैल्यू लेंगे। निगेटिव VE का मतलब होता है निगेटिव, तो निगेटिव एज ए शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ठीक है। और ऊपर मान लो कोई वस्तु रखी है, तो अगर उसकी वस्तु की ऊंचाई बतानी है, यच बताना है हमको, ये हाइट तो ऊपर होती है ना, हाइट तो ऊपर होती है। तो जो चीज़ ऊपर होती है, जो ऊपर जा रही है, ऊपर नापना है। तो ऊपर तो वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस में हम जो दूरी लेते हैं वो पॉजिटिव होती है ऊपर की तरफ। तो यह ऊपर की ओर दूरी, ये मैं सब के लिए बता दे रहा हूँ, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण चाहे जो हो, सब के लिए काम करेगा ये। और एक एक चीज़ को रट के याद करोगे तो कुछ नहीं याद होगा, आप भूल कन्फ्यूजन में रहोगे, अवतल दर्पण है प्लस में लेना है, उत्तल दर्पण है माइनस में लेना है, सब कुछ नहीं आएगा आपको। इस तरह से याद करेंगे तो कुछ भी याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दो तीन बातों को आप याद रखें, बस हमेशा सही रहेगा। ऊपर की ओर पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और कुछ बातें मैं अभी लिखवा दूंगा फुटकर नोट के माध्यम से, ताकि आपको याद हो जाए, आप उसको लिख लेना साइड में। अगर मान लो ये बात आपको समझ में नहीं आती तो आप उससे रट के भी याद कर सकते हो। तो मैं रटने की सलाह नहीं दूंगा, मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ बच्चे से, कुछ बातें आप जैसे नहीं याद होती तो उसको आप समझ सकते हैं, मैं वैसे कोशिश करूंगा पूरा समझा दूँ। बाईं तरफ दूरी निगेटिव, अगर मान लो कोई वस्तु ऐसे नीचे की तरफ रखी है एच, इसका एच डैश इसका प्रतिबिंब बन गया, कोई वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बना है, तो नीचे बना तो जो नीचे जा रही है दूरी है, तो वाई की निगेटिव वाले पे जा रही है, तो ये नीचे की तरफ दूरी भी निगेटिव होती है। तो अब इसको लिखूंगा नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ भी निगेटिव। अच्छा चलो लिख देता हूँ, नीचे जो दूरी नीचे की तरफ मानेंगे उसको भी निगेटिव ही लिखते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, बस इतनी बातें आप याद रखें, आपका सब कुछ सही बन जाएगा। कोई भी प्रतिबिंब इधर भी आपकी दूरी जो है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर तो प्लस पॉजिटिव ही रहता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं एक आध दो ठो क्या है, क्या देखते हैं कि लिख देते हैं हम उस बातों को जो एक आध दो बातें हैं। जैसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में पोल यहाँ होता है। अगर मान लो इसको मैं अवतल दर्पण बनाऊँ तो उधर पॉलिश करनी पड़ेगी हमको, इधर पॉलिश कर दूंगा तो पोल यहाँ लूंगा, तो जो भी वस्तु रखेंगे हम इधर लेंगे, तो वस्तु की दूरी भी निगेटिव, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा वो भी निगेटिव, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और सब चीज़ें एक साथ मिल देता हूँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, दोनों ही ऋणात्मक होती है,
ऋणात्मक होती है। दूसरी बात, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है सब में, लेकिन एक ऐसी लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण में जिसमें वो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव वस्तु की दूरी हो जाती है, क्योंकि उधर प्रतिबिंब बन जाता है ना, आपको याद होगा वो छठवीं कंडीशन, उधर प्रतिबिंब बन जाता है तो उसमें वस्तु की दूरी को प्लस में लेते हैं, तो हम वो अलग कंडीशन कैसे लिखें, इसलिए मैंने ऐसा समझा दिया ताकि जो भी हो दूरी वो आप वहाँ से इस बात को समझ के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे फुटकर में लिख लीजिए आप। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी, तथा वस्तु की दूरी का उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेंगे, कुछ भी हो हमेशा निगेटिव ले लेना, आप कभी भी कोई कुछ ना सोचना, वस्तु की दूरी चाहे जो हो निगेटिव ले लेना, हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इतनी बातों को आप याद रखें बहुत अच्छे से, मैं ये बातें अगर आप याद रख सकते हो ना बहुत अच्छा है, ये दो तीन बातें आप चाहे तो रट के याद कर सकते हो, लेकिन रटना नहीं, आप समझ लेना उसको बात को भी, ये यहीं से तो लिखा है मैंने देख देख के, आप भी याद कर लीजिए, ऐसे ही आप भी इन्हीं को समझ लीजिए, आप सब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।